आज हम आए हैं जो आइलैंड फोर्ट्रेस में और माशाल्लाह यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। ये ट्रेन देख सकते हैं आप मेरे कम में, इस तरह ये डक बनी हुई है जहाँ पे बच्चे झूले ले रहे हैं। इसी तरह आसमानी जो बंगूरा वो भी आप देख सकते हैं, ये ऊपर आप नज़र आ रहा होगा ट्रेन है, और इसी तरह वो भी झूला आप देख सकते हैं। और क्योंकि सैटरडे का दिन है, लोग काफ़ी इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं और अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ झूले भी दिखाए जा रहे हैं। एक झूला आप वो भी हम देख सकते हैं, ये देखें ये आसमानी बंगूरा जिसका मैं बोल रहा हूँ। इसी तरह हमारा ये भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन सारे झूले इस तरह चल रहे हैं और फैमिली भी मौजूद है और खूब इंजॉय भी किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो एक ट्रेन का जो नया इशू शुरू किया है वो भी चल रहा है, और मैं अपने नाज़रीन को दिखाता भी जा रहा हूँ कि फैमिली अभी भी आ रही है, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया, ये देख सकते हैं आप मेरे साथ साथ और कितना इंजॉय लोग कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में ट्रेन भी चलेगी और सेल्फियाँ भी बनाई जा रही हैं। ये झूला बहुत ख़तरनाक है जो मेरे हक में ये यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये जब ऊपर जाता है जब तक नीचे आता तो बच्चे भी डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हौसले वाला बच्चा जो है वो बैठेगा तो फिर करना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं किस तरह सारा हक में अब ये ट्रेन चलने लगी है। ये देखें अब ट्रेन आ गई है, ये देखें बड़ी अच्छी ट्रेन चल रही है। लेकिन झूले का भी मज़ा होता है, फैब्रिक आइसक्रीम खाई जाती है, वो कहते हैं चिप्स खाई जाती है, बर्गर खाए जाते हैं, जिंगर बर्गर खाए जाते हैं। वो मेरे पीछे जो झूला है ये भी बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन ज़ाहिर है जो बच्चे लेते हैं झूले उनको तो इस चीज़ का इलम होता है, जो नहीं लेते उनके लिए ज़रा थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन मैं खुद यहाँ पर आया हूँ बच्चों को लेकर, लेकिन मज़ा आ रहा है यहाँ पर, इंजॉय भी खूब किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर बच्चों ने जो झूले तीन चार लिए हैं, कप में बैठे हैं, गाड़ियों में बैठे हैं, ट्रक में बैठे हैं, आसमानी बंगूरे में जिस तरह आवाज़ें आ रही हैं, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। और हफ्ते की रात है और बड़ा खूब इंजॉय हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि बड़ा अच्छा तफरी का मुकाम है यहाँ है जो आइलैंड में आप आएँ, लोगों को बच्चों को फैमिली के साथ आएँ, खूब इंजॉय करें। तो टिकट भी मुनासिब है और बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है, मैं तो बड़ा खुश हूँ यहाँ पर अपनी फैमिली को ला के। और मेरी तो यही कहूँगा कि ये आइंदा भी आप अपने बच्चों को अगर घुमाने के लिए लाना हो तो फोटो आइलैंड ले जाएँ, ताकि बच्चे भी बड़े हैप्पी नज़र आते हैं, एक्साइटेड नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते ही आपको दिखाई देते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर यहाँ पे अंदर एक तो चीज़ बड़ी मुनासिब है और सेकंडली शफाफ चीज़ें, और जो शफाफ चीज़ होती है उसका तो अपना ही मज़ा होता है। और बच्चे देखें फैमिली अभी तक जैसे जैसे दिन चढ़ा हुआ है, ये झूला जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बड़ा ख़तरनाक है, और ये देखिए कैसे यकदम ये नीचे आएगा और बच्चों की इस तरह से आवाज़ें निकलती हैं जैसे ये गिरने लगे, ये देख सकते हैं। ये देखिए अब ये फिर ट्रेन आ गई है और ट्रेन में फिर बच्चे बैठे हैं, फैमिली भी बैठी उनके साथ, यहाँ पे ट्रेन आके सफ़र करना चाहिए। ऐसे लग रहा है ये असली ट्रेन है, जैसे इस्लामाबाद से मंडी जा रही है, कराची से लाहौर आ रही है। ये देख सकते हैं आप, मैं कैमरा पिक मत और आपको दिखाता हूँ कि ऊपर वाली भी ट्रेन आ गई है। ये देखें जी बड़ा प्यारा है, ऊपर वाली ट्रेन आप देख सकते हैं, और बच्चे खास तौर पर ये देखें बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, आवाज़ें भी आ रही हैं और बाकायदा तौर पर। और आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये हम दिखाएं बच्चों को, बच्चे भी यहाँ पे तफरी भी आएँ, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों को एक तफरी का मुकाम भी चाहिए और बहुत अच्छा इंजॉय किया हमने भी किया। आप भी यहाँ पे आएँ। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।